सर इसी हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर से। कैसे बात करें? अगर आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर का नंबर नहीं पता है तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर का नंबर क्या है। अगर आपके सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंडिया में अगर बैंक अकाउंट है तो आप सीधे आप अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ना बैंकों का लाइन लगने की जरूरत है। अभी जो भी आपका सवाल है, सुझाव है, आप सीधे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, बैंक की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे कि आपका नोल हो गया, पैसा हो गया, बैलेंस चेक हो गया, वगैरह वगैरह आदि बादी सारी चीज़ यहाँ पर अपने कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे नंबर निकालें, कैसे बात कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ से टच कर दीजिएगा, बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आनी एक घंटे के निशान, उसे टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबे। तो गाइस यहाँ पर दो तरीके से नंबर निकाल सकते हैं, यानी कस्टमर केयर का दो तरीके है, जो कि पहला तरीका क्या है, आप सिंपली प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऐप सर्च करना जो कि एप्लीकेशन का नाम है बैंक बैलेंस, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफिशियल है जो कि यहाँ पर सारा सही सही बताता है। तो यहाँ पर तीसरे या चौथे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा, एप्लीकेशन का नाम है ऑल बैंक बैलेंस चेक 2020 या 21 भी हो जाएगा जब इसका 21 आएगा। तो यहाँ पर ओपन पर सिंपली आप क्लिक कर लीजिएगा, आप पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ तो सिंपली ओपन पे मैंने कर दिया है क्लिक। क्लिक करने के बाद सिंपली आप स्टार्ट पे कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ऑल बैंक बैलेंस, सिंपली इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा आपका बैंकिंग आ जाएगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, पलना डिमाका आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मेरा बैंक है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंपली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर आ चुका है, जो कि यहाँ पर पहला तरीका ये रहा। मैं अब आपको दूसरा तरीका बताऊँगा जो कि उससे आप नंबर निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका ये है जो कि पहला नंबर यहाँ पर मिल जाता है, आप अपने यहाँ पर अपने नंबर से रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सिंपली आप कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपने चले जाइए गूगल में। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर नंबर। आपको गूगल में जाने के बाद यही सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको आ जाएगा जो कि यहाँ पर कस्टमर केयर का ऑफिशियल नंबर आ चुका है। ये देखिए सेंट्रल बैंक का लोगो, तो अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल कर सकते हैं। और ये अच्छा है तो अगर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं, आसानी से कॉल लग जाएगा। तो आप जिस तरह आप जैसे कि अपने सिम के कस्टमर केयर से बात करते हैं या किसी और कस्टमर केयर से बात करते हैं, कॉल करते हैं, उसी तरह आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, कॉल लगा सकते हैं। तो मैं अभी लगा कर नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा सेंट्रल बैंक में अकाउंट नहीं है, इसलिए नहीं दिखा सकता। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक बाय।